इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं, बोलो शंकर भगवान की, कि बड़े बड़े विद्वानों को भी खींच लेती हैं महाराज। इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि विद्वानों को भी घसीट लेती हैं। व्यास जी जब श्रीमद् भागवत की रचना कर रहे थे, 18 पुराण वेद सब किसने बनाए? व्यास जी ने, व्यास जी के द्वारा प्रकट हुए। तो व्यास जी जब श्रीमद् भागवत की रचना कर रहे थे, उन्होंने उसमें एक श्लोक लिखा था, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं जो विद्वानों को भी घसीट लेती हैं। व्यास जी के बड़े प्यारे शिष्य थे, एक जैमिनी, उनका नाम था जैमिनी, वो वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव ये कैसे हो सकता है, इंद्रियां कितनी बलवान होती होंगी पर विद्वान का क्या बिगाड़ लेंगे, ये तो आपने सही नहीं लिखा, इसको करेक्शन करो, इसको सही करो। व्यास जी ने कहा, मैं लिखे रहा हूं, मैं लिखाने वाला तो नारायण है, तो कैसे गलत हो सकता है। बोले नहीं, मैं नहीं मान सकता इसे। व्यास जी ने सोचा इनको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा, तब मानेंगे ये। तो व्यास जी ने कहा, चलो आज लिखा रहन देते, कल करेक्शन कर देंगे, कल शुद्ध कर देंगे, आज तो लिखा रहन दो। बोले ठीक है, करना तो पड़ेगा, कल कर देना। अब क्या हुआ, दूसरे दिन जैमिनी अपनी कुटिया में बैठे, अनि एकदम बादल उमड़ने घुमड़ने गरजने लगे, बारिश होने लगी, एकदम माहौल ही बदल गया, बारिश चालू हो गई, और उसमें एक 16 साल की लड़की भींग रही खड़ी खड़ी महाराज। भींगने से उसके कपड़े शरीर पर चिपक गए, उसके अंग प्रत्यंग दिखने लगे उसके। अब जैमिनी सी अपनी झोपड़ी में बैठे थे, उनकी नजर उस लड़की पर पड़ी तो उनका मन हाथ से निकल गया महाराज। उसको झोपड़ी में बुलाया, क्यों भींग रही हो देवी, इधर आ जाओ। अब वो झोपड़ी में चली गई। अब इनने बात करना चालू किया, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ, नहीं पर दुनियादारी की सब बातें। वो लड़की ने कहा, हुआ तो नहीं है। तो फिर बोले, हमारे साथ कर सकती हूं। वही जैमिनी ऋषि जो कल व्यास जी से कह रहे थे, इंद्रियां कितनी बलवान क्यों ना हो पर विद्वान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो उन्हीं ने प्रस्ताव रख दिया लड़की के सामने विवाह के लिए। लड़की ने कहा, विवाह तो मेरे पिताजी करेंगे, मैं तो कर नहीं सकती। आज की बात अलग है, आज आज मनुष्य की जरूरत नहीं, आज मोबाइल से विवाह हो जाते हैं, मोबाइल पे ही लड़का लड़की एक दूसरे को चुन लेते हैं, फिर जिंदगी भर चुनते रहते हैं महाराज, उसी पे चुन लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मां बाप की जरूरत नहीं, मोबाइल। उस लड़की ने कहा कि मेरा विवाह तो मेरे माता पिता करेंगे। तो बोले, माता पिता से कहो तो फिर हो जाए तो अच्छा। बोले, माता पिता से कह तो देंगे, पर माता पिता ने कुछ शर्तें रख रखी हैं, उनको जो पूरी करेगा उसी के साथ वो मेरा विवाह करेंगे। क्या शर्त है देवी, बताओ। बोले, एक शर्त तो ये है कि मेरा विवाह उसके साथ होगा जो घोड़ा बन के मुझे पीठ पे बिठाए और वो जो देवी का मंदिर दिख रहा है वहां तक ले जाए। जैमिनी ऋषि मन में सोचते हैं कि एक फल्लांग की दूरी है, एक फल्लांग के लिए क्या है, घोड़ा बन जाते हैं बाद में विवाह हो ही जाएगा। बोले नहीं, एक शर्त और है, वो क्या है। बोले, घोड़ा भी बनना पड़ेगा और मुंह भी काला करना पड़ेगा। सोचा, चलो थोड़ी देर के मुंह काला कर लेंगे, बाद में एम्पू से साफ कर लेंगे। बोले ठीक, इसके लिए भी तैयार। वो नहीं नहीं नहीं, एक शर्त और बस। एक कौन सी शर्त है। बोले, मेरे हाथ में हंटर होगा और मैं उसको सटासट मारती मारती ले जाऊंगी वहां तक। जैमिनी ने सोचा, चलो अभी थोड़े पर हंटर पड़ेंगे, बाद में कुछ लगा लेंगे, दवाई लोशन कुछ लगा के ठीक हो जाएंगे, दो चार दिन में विवाह तो हो जाएगा।
इतनी सुंदर नव यौवना है ये, इसके साथ मेरा विवाह हो जाएगा। तैयार हो गए, घोड़ा बन गए, लड़की बैठ गई ऊपर, काला मुंह कर दिया, हंटर हाथ में लिया, सटा सटा मारती चली जा रही महाराज। जैसे तैसे देवी के मंदिर में जाके पहुंचे, वहां पर देखते क्या है, व्यास भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। जो जैमिनी ने देखा एकदम समझ में आ गया, ये कुछ नहीं है, ये सब मेरे गुरुदेव की माया है। मैंने कल जो कहा था उसकी परीक्षा के लिए ही इन्होंने ये सब किया है, मैं स्वयं ही फेल हो गया हूं तो फिर दूसरों का क्या हाल होगा। जो नारायण के अवतार हैं व्यास, उनके शिष्य हैं जैमिनी, उनके शिष्य हैं। तो साधारण गुरु ने साधारण चेला, इनके क्या हाल होंगे जहां साक्षात नारायण गुरु है, उनका चेला कोई है, वो उनका चेला भी अगर फिसल सकता है तो साधारण गुरु और साधारण चेला के जीवन में अगर ये सब हो जाए तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। समझ सकते कितना कठिन है ये सब, पर श्री हनुमान जी महाराज जितेंद्रियम, हनुमान जी महाराज ये सबसे ऊपर उठे हुए हैं, उनका मन कभी विषयों की तरफ जाता ही नहीं है, कभी नहीं जाता है। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमान जितने संसार में हैं, थे और होंगे, उन सब में बुद्धिमानों में अगर वरिष्ठ कोई है, श्रेष्ठ कोई है तो श्री हनुमान जी महाराज, उनके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है, उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वो शिव के ही साक्षात रूप हैं। वंदे बोधमयम शिव, तो ज्ञान, ज्ञान का दूसरा नाम ही शिव है, शिव का दूसरा नाम ज्ञान ही है महाराज, वो ज्ञान ही शिव है, शिव ही ज्ञान है, उन्हीं के अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम, पवन पुत्र हैं और वानरों का जो समूह है, अनगिनत वानर हैं, उस पूरे वानर समूह के ये सेनापति हैं महाराज। सबके अलग अलग बुद्धि दिमाग रहते हैं, विचार संस्कार रहते हैं, किसी एक आदमी को अपना नेता स्वीकार कर लेना, वो भी परमानेंट स्वीकार कर लेना, ये जब तक उस नेता में कोई ऐसी क्वालिटी ना हो तब तक संभव नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज में ऐसे ऐसे गुण हैं कि उनके नेतृत्व पर कभी कोई शंका कर ही नहीं सकता है। जिस समय सीता की खोज करने के लिए जब चार दल बनाए सुग्रीव ने बानरों के, कोई पूरब की तरफ गया, कोई पश्चिम की तरफ गया, कोई उत्तर की तरफ गया, पर एक ग्रुप जिसमें श्री हनुमान जी महाराज हैं वो दक्षिण की तरफ गया है। क्यों गए दक्षिण की तरफ ही क्यों गए? क्योंकि जटायु ने राम जी को ये बात बता दी थी, नाथ दशानन यही गति कीनी, नाथ दशानन यही गति कीनी, घर जनक सुता हरिनी, बिलपत अति गुर रीति नाई, बिलपत अति गुर रीति बिलानी, सो दक्षिण दिस गए उगुसाई, ओ सो
दक्षिण दे हो गुसा सो दक्षिण दिस गए साई ओ सो दक्षिण दिस रहो गुसाई। जटायु ने कह दिया था हे राम जी ये मेरी दुर्गति उसने की है, रावण ने की है, नाथ दशानन यह गति की है। राम जी ने कहा कि जटायु दशानन तुम्हारी दुर्गति कर सकता है पर दशरथ नंदन तुम्हारी सदगति करेगा। महाराज राम दशरथ नंदन है, दशानन तुम्हारी दुर्गति कर सकता है पर दशरथ नंदन तुम्हारी सदगति करेगा। इसलिए भगवान राम की कृपा करुणा से गीधराज जटायु को परम गति सद प्राप्त हुई, सदगति हुई उनकी। तो वो रावण ले गया दक्षिण दिशा में, ये बात राम जी को बता दी थी जटायु ने। इसलिए जो दल सबसे स्ट्रांग था, चार दल जो बने थे उसमें सबसे स्ट्रांग समझदार जिम्मेदार जो दल था उसमें श्री हनुमान जी महाराज थे, अंगद भी उसी में थे और जामवंत जी भी सबसे पावरफुल दल समझदार लोगों। अब जैसे ये चले तो इनको प्यास लगी। हनुमान जी महाराज पीछे चल रहे थे, पाछे पवन तनय सिर नावा जान काज प्रभु निकट बुलावा। श्री हनुमान जी महाराज पीछे, सब आगे चले हनुमान जी महाराज पीछे। प्रवृत्ति ये होती है, स्वार्थी आदमी की प्रवृत्ति ये होती है कि वो स्वयं आगे चलना चाहता है, हमारा फोटो खींचे, लोग हमें देखें, हमारा प्रभाव बने, वो आगे जाना चाहता है, स्वार्थी आदमी जो होता है। पर परमार्थी आदमी को हमारा फोटो खींचे, लोग हमें जाने, लोगों के बीच में हमारा प्रभाव बढ़े, परमार्थी को इससे कोई लेना देना नहीं है। फोटो खींचे तो भगवान का खींचे, प्रभाव हो तो भगवान का हो, लोग जाने तो भगवान को जाने। भगवान को जाने बिना और सब जाना हुआ न जाने के बराबर ही है, और जिसने भगवान को जान लिया बाकी कुछ न जानता हो उसने सब कुछ जान लिया है। प्रभु को जिसने जान लिया, जानना जाने विन न होए प्रतीति, विन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जिसने भगवान को नहीं जाना वो भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता है। जाने बिना कोई भक्त नहीं बन सकता। मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, माथा झुकाना, व्रत करना, तीर्थ करना, दान करना, ये सब प्रक्रिया की दृष्टि से बहुत अच्छा है क्योंकि ये उसी का एक हिस्सा है। पर बात अगर प्रेम की करी जाए तो बिना जाने प्रेम नहीं हो सकता। जाने बिना नहीं हो सकता क्योंकि जानेंगे नहीं जब तक विश्वास ही नहीं होगा, और किसी पे जब विश्वास नहीं है तो उससे प्रेम कैसे हो सकता है। प्रेम के पहले की सीढ़ी है विश्वास। हनुमान जी महाराज पीछे चल रहे, पाछे पवन तने से, क्योंकि वो संसार से कुछ लेने आए ही नहीं है। किसी ने पूछा कि आप इतने स्टैंडर्ड के हो, महादेव हो, तो आप बानर क्यों बने, नरी बन जाते तो। बोले नर बन जाते तो लोग टीका काढ़ते, लिफाफा देते, फल फूल देते, प्रणाम करते, जाने क्या क्या नाटक होते। इन सब बीमारियों से बचने के लिए मैंने बानर रूप बनाया है, ना तो मुझे किसी के टिफिन की जरूरत है, ना मुझे किसी के टिकट की जरूरत है, ना मुझे किसी से टाइम की परमिशन की जरूरत है। टिफिन, टिकट और टाइम, इन तीनों से छुटकारा पाने के लिए मैं बानर बन गया हूं महाराज।
संसार में लेना सबको आता है। बोलो शंकर भगवान की। संसार में लेना सबको आता है पर देने वाला कोई बिरला होता है। देने वाला कोई, श्री हनुमान जी महाराज वही है। जो कुछ भी उन्होंने किया है, श्वास प्रतिश्वास राम के लिए जिए हैं, पर उसके बदले में राम से कुछ मांगा नहीं है महाराज। उसके बदले में राम से कुछ लिया नहीं है उन्होंने। चलो मांगना तो ये कि भैया मांग रहे, मांगते नहीं पर मिल जाता तो ले लेते। कई लोग ऐसे भी होते, मांग हम कभी नहीं मांगते, बोले ऐसा कहते, हम कभी मांगते ही नहीं है, फिर कैसे क्या चलता, बोले जो मिल जाता उससे। तो ऐसा भी होता है, कोई लोग मांगते तो नहीं पर मिल जाता है तो ले लेते हैं। पर श्री हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, मांगते भी नहीं है लेते भी नहीं, सिर्फ देते हैं बस। अब अपन लोग ऐसे हो तो नहीं सकते, बातें तो कर ही सकते हैं, होना तो बहुत कठिन है, होना तो कोई फिर हनुमान हो, फिर जिसमें अभिमान है वो कैसे हो सकता है। क्योंकि अभिमानी की जो इंद्रियां होती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार होते हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण होते हैं, वो सब अभिमान की सेवा में लगे रहते हैं, अभिमान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान की सेवा इनसे हो ही नहीं सकती है। भगवान की सेवा तो वही कर सकता है जिसको जाहे न चाहिए कबहू कछु, कबहू कछु तुमसन सहज स्नेह बसहु निरंतर तास उर सो राउर निजगे। राम जी से किसी ने पूछा, आप हनुमान जी के हृदय में क्यों बैठे हो यार, इतने सारे हृदय तो हैं और कोई के में बैठ जाते। बोले जहां सुविधा होगी वहीं जाएंगे ना यार। सुविधा क्या चाहिए, बोले जाहे न चाहिए कबहू कुछ, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही मुझे चाहिए है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो मुझे चाहिए है। अब बताओ आसान है क्या? आसान लगभग असंभव जैसा है, कोई होगा एक आध जो निकल जाए इसमें से, सुई के इस छेद में से शायद ही कोई धागा होगा जो निकल पाएगा, बहुत कठिन है। लोग कहते जिनसे कछु नहीं बनता भी भक्ति करते, अरे भैया आके देखो जरा, आके देखो, किसी सच्चे संत सदगुरु के आश्रय में जाके देखो तब पता चलेगा, तब तुम्हें लगेगा कि कलेक्टर बनना आसान है, कमिश्नर मिनिस्टर बनना आसान है, पर भक्त बनना आसान छोड़ो असंभव है महाराज।